Welcome back to our channel. So today we are going to share one interview question. So the purpose of sharing this video is like recently we have conducted a drive. So usme 10 log ko select kiya tha hum logon ne. So out of 10 we placed them in front of our client. So there was a client round. So client sab 10 logon ko reject maar diya. So I was there in the client round as well. सो द रीज़न वाई उसने रिजेक्ट कर दिया सबको इज द कोडिंग क्वेश्चन. सो दिस वॉज द कोडिंग क्वेश्चन बेसिकली ही वॉज दैट वॉज गिवेन लाइक फाइंड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर फ्रॉम एन अरे. सो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा सब लोगों ने क्या किया फट से लिखे अरे डॉट सॉर्ट. और प्रिंट करा रहे थे सिस्क आउट इनपुट ऑफ इनपुट डॉट लेंथ माइनस टू. चलो इसको प्रिंट कराने से आइडियली यहाँ पे 22 इज हाईएस्ट नंबर तो वो काम कर जाएगा मस्त. दे वर टाइपिंग दिस सॉल्यूशन दिस कोड एंड एक्सपेक्टिंग दे गॉट द आइडियल रिजल्ट. सो क्लाइंट ने क्या किया इसको चेंज कर दिया उसने डाल दिया कॉमा और एक और 45. अभी ये घंटा काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स हैंडल नहीं किए क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड है जो भी लास्ट बट वन वाला दे देगा. यहाँ पे 45 और 45 है लास्ट में तो वही रिटर्न कर दिया तो उसमें वो चांस दे रहा था लाइक फिर से दिस एज एन अप्रोच वन. अप्रोच वन लेट अस से सो ही वाज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी अगेन लाइक कैन यू ट्राई. तो लोग क्या करने लग गए तो मैं कॉपी करके लाता हूँ कोड क्या करने लगे लेट अस से दिस एज अप्रोच अप्रोच टू और ये कोड लिखने लग गए. दो फॉर लूप लगा रहे हैं और एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेके इसको स्वैप करा रहे और फिर से लिख रहे हैं इनपुट ऑफ इनपुट डॉट लेंथ माइनस टू. ये इसमें भी यही इशू आएगा मतलब इट विल जस्ट दे आर जस्ट रिटर्निंग द लास्ट बट वन नंबर द अरे. तो क्लाइंट जब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ये बोल रहा है ये स्वैपिंग लॉजिक है ये सॉर्टिंग लॉजिक है. अरे मतलब देर वर कैंडिडेट्स हु वर हैविंग मोर देन 8+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एक्चुअली ये जो लॉजिक यहाँ पे है ना तो मतलब यही इस मेथड के अंदर होता है यही वो स्वैपिंग और सॉर्टिंग लॉजिक है जो अरेज डॉट सॉर्ट में होता है. और मतलब लोग बोल रहे ये दिस इज अ डिफरेंट लॉजिक एंड व्हाट व्हेन वी राइट दिस कोड सम डिफरेंट लॉजिक गेट्स परफॉर्म. अरे ऐसा नहीं होता भाई ये आइडियली दो सेम ही कर रहे हैं आप इधर भी सॉर्ट ही कर रहे हो स्वॉट बोलो स्वैप बोलो वही है. सो वो रिजेक्ट मार रहा था मतलब 10 के 10 लोग रिजेक्ट हो गए. सो फाइनली लाइक थॉट ऑफ शेयरिंग द बेस्ट वे विच हैंडल्स द डुप्लीकेट्स एज वेल. सो दिस इज द बेस्ट वे सो हियर इज द बेस्ट वे दैट विल हैंडल द डुप्लीकेट्स एज वेल. सो नो लाइक विद इन वन फॉर लूप दिस गेट्स कम्प्लीटेड. ये पीपल वर गिविंग टू टू दो दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं फिर भी घंटा आउटपुट नहीं आ रहा है और यहाँ पे तो एक ही फॉर लूप में हो जाता है बस दो वेरिएबल ले लो फर्स्ट और सेकेंड लूप चला दो और चेक करो अगर फर्स्ट से ज़्यादा है तो स्वैप कर दो फर्स्ट से सेकेंड को और फर्स्ट में लगा दो जो फर्स्ट से ज़्यादा है और एक एल्स इफ लगा दो कि वो अगर इनपुट ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड एंड इनपुट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू फर्स्ट देन सेकेंड में वो डाल दो तो बस ख़त्म. अभी अगर हम लोग देखेंगे पहले के दो अब सेव हुआ ये सेव तो अभी देखो ये 22 और ऊपर के दो दे रहे हैं 45 और अगर मैं एक 45 हटा देता हूँ इधर से मतलब डुप्लीकेट हटा देता हूँ तो तीन भी देने लगेंगे 22. मतलब ये एक ही क्वेश्चन वो सब 10 जनों को मतलब देर और टू क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो आई विल शेयर इफ पीपल आर अनेबल टू राइट. अभी ये तो सही देंगे तीन
जहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है वहाँ पे सही है, और जहाँ पे जैसे डुप्लीकेट आ गया मतलब कोड गया, तो हम लोगों पे एस्केलेशन हो गया ये कि तुम लोग ना बेकार बंदों को उठाते हो मार्केट से और लेकर आ रहे हो। सो व्हेनेवर इफ यू एवर एनकाउंटर द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक फाइंडिंग द सेकेंड हाइएस्ट नंबर, सो ऑलवेज जस्ट थिंक वॉट द लॉजिक यू आर राइटिंग। तो यही था बस इस इंटरव्यू में, होप यू गाइस लाइक इट, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।